ठीक होंगे, अल्लाह का फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी दराज हॉल। और दराज हॉल की वीडियो मैं आपके पास लेके आई हूँ, जो 11/11 की सेल आई थी उसमें मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑर्डर की थी। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, कुछ स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, और कुछ जो है रबी फातिमा की बर्थडे आ रही है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैंने मंगाई हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या आया है। सबसे पहले ये मेरा पहला पार्सल है जिसमें मैंने मंगाया है। कुछ मैंने ओपन कर लिए हुए हैं, मैंने देखा है कि चीजें कैसी आई हैं। और ये इसमें बायोकॉस मास्क है, मैंने वो मंगाया है। वाइटनिंग फेस मास्क है, मैं इसको यूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें मैंने जो चीज़ें मंगाई हैं वो मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने मंगाई हैं, और इनको मैं यूज़ करूँगी तो फिर आपको इनका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इनको यूज़ किया है तो क्या रिव्यू मैं आपको दे सकती हूँ कि मुझे ये कैसी लगी हैं। ओके जी, ये लोग क्लेम करते हैं कि ये डीप मॉइस्चराइज करता है एंड प्योर पाकिस्तानी हर्ब्स, एंड सबसे अहम बात यह है कि ये मेड इन पाकिस्तान है। आई होप इनका रिजल्ट अच्छा होगा, मैं यूज़ करूँगी तो आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दूंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है जी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। रैंडमली मैं उठा रही हूँ, क्या निकलता है कैसे जी। तो ये एक मैंने कवर मंगाया है, ये जो कवर है माइक्रोवेव पे डालने के लिए मैंने मंगाया है। क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसके ये देखिए यहाँ पर पॉकेट्स भी बनी हुई हैं कि आप कोई चीज़ जो है वो रख सकते हैं साइड में। क्वालिटी अच्छी है, बट एक ही प्रॉब्लम हुई है कि मेरे माइक्रोवेव से ये छोटा है, हमारा माइक्रोवेव जो है वो बड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम देखते हैं ये है। ओके, काउंटिंग लेटर है नंबर 3 जो हमने मंगाया है, फॉइल का बना हुआ है। ये रबी की बर्थडे के लिए मैंने मंगाया है। ये जो है ये मुझे मिला है 164 रुपीज में डिलीवरी चार्जेस ऐड करके। ओके, और ये है एक टेप, ग्लू वाटर डॉट है, ये बैलून्स जो हैं उनको पेस्ट करने के लिए है, जिनको आपस में चिपकाना हो उसके लिए। इसको के हम यूज़ करेंगे बलून्स को आपस में चिपकाने के लिए, और अगर आप दीवार पे या छत पे चिपकाना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ होगा, बहुत काम की चीज़ है। और मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाई है, यूज़ करूँगी तो पता चलेगा, अदरवाइज पहले तो टेप के साथ ही लगा लगा के काम चलाते हैं। और उसके बाद ये हैं ब्लॉक्स जी, ये ब्लॉक्स हैं जो मैंने मंगाए हैं, ये मेरे बेटे के लिए, हयान के लिए ब्लॉक्स मंगाए हैं मैंने। ABC पे लिखी हुई है, इस तरह से वो ब्लॉक्स पसंद भी करता है, इस तरह से उसको बोलना भी आएगा के, और पहचान भी होगी कि कलर किस लिए हैं। ये हयान के लिए मैंने मंगाए हैं, और इसके साथ 3 सेट और थे, वो डिफरेंट थे, वो बच्चों को दे दिए हैं। और ये टोटल मुझे 4 सेट जो हैं वो 661 में पड़े हैं, एंड आई थिंक इट्स वर्थ बाइंग, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, और नेक्स्ट जो पैकेज है हमारे पास वो मुझे मिला है इसका, इसमें रबी फातिमा की बर्थडे थीम की जो चीज़ें हैं वो हैं, जिसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। ओके, ये रबी फातिमा की बर्थडे की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मंगाई हैं, ये मैं खोल के आपको लैदा से जब इसका डेकोरेशन का हॉल शेयर करूंगी आपके साथ, तो उसमें मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगी कि इनके अंदर से क्या निकला है। और बट इनकी पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल सिंपल से शॉपर में उन्होंने डाल के और इस तरह से पैक करके भेज दिया है। मैं इसको प्रॉपर खोलूंगी तो मुझे पता लगेगा कि इसमें से क्या चीज़ें सही आई हैं और क्या नहीं सही आई, बट आई डोंट लाइक इट्स पैकेजिंग, इट्स नॉट गुड। ओके, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरी वो ये है वंडर एसेंस। ये मैं आपको खोल के बताती हूँ कि ये क्या है और कैसा है। इस तरह से बबल रैप में उन्होंने पैक करके भेजा है, और काफ़ी सेफली उन्होंने पैक करके भेजा है इसकी। ये वंडर एसेंस है बायो एक्वा का, और इस पर इन्होंने बताया हुआ है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ये
कीप स्किन यंग एंड ब्यूटीफुल, कीप स्किन एनर्जेटिक। ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, मैंने मंगाया है, मैं इसको यूज़ करूँगी तो मुझे पता चलेगा। एक्चुअली मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और मैं बहुत सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ कि मेरी स्किन जो है वो बेहतर हो जाए, इसीलिए मैंने इसके बारे में सुना था तो मैंने इसको मंगवाया है। अब मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी कि इसकी ये रिजल्ट्स कैसे हैं। खैर, बाहर से देखने में ये ऐसी है, पैकेजिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बबल रैप में उन्होंने पैक करके भेजा है। अब इसको ओपन करके भी देख लेते हैं कि ये कैसा है। ओके, ये कुछ इस तरह से खुलता है और फिर ये यूं निकलता है, यूं सॉरी उल्टा हो गया, ये यूं निकलता है। ये एक सीरम है। ओके, और इस पर लिखा हुआ है मेक स्किन यंग एंड एनर्जेटिक अगेन, और ये 15 ml का है। और इसके अंदर इस तरह से ड्रॉपर है जिसके जरिए आप इसको यूज करेंगे। ओके, और इसका भी रिव्यू जो है वो प्रॉपर मैं आपको बाद में ही दे सकती हूँ, यूज़ करके ही दे सकती हूँ कोई 8-10 दिन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कैसा है। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है और ये जो है ये मुझे पड़ा है डिलीवरी चार्जेस के साथ 364 रुपीज़ में, एंड आई थिंक इट्स गुड, और मुझे ये अच्छा लगा है। ओके, और हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है डीप क्लिंजिंग नोज स्ट्रिप्स, और ये जो है नोज स्ट्रिप्स हैं जो कि यूज़ होंगी ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए और जो पोर्स हैं उनको अच्छे से क्लीन करने के लिए। ये हैं, इसमें से निकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 निकले हैं इसमें से, और इनको मैंने पहले यूज़ किया है, इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से जो ब्लैक हेड्स हैं और वाइट हेड्स हैं उसको निकाल देता है, इसलिए मैंने इसको दोबारा से परचेज़ किया है, मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन पहले मैंने इसको दराज से नहीं ख़रीदा था, पहले मैंने इसको अपने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन इस दफ़ा दराज पर आ रहा था और सेल पर मिल रहा था तो इसलिए मैंने इसको मंगवा लिया। बट इसको मैंने यूज़ किया है, इट्स रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बताइएगा, मैं इसका अलग से रिव्यू एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये मुझे पड़े हैं 224 रुपीज़ में विद डिलीवरी चार्जेस। ओके, तो अब जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास, ये भी एक फेस मास्क है, ये वाइट राइस फेस मास्क है जो कि रिच स्किन ब्यूटी एसेंस है इसमें और स्किन वाइट ब्यूटी। ये जो है ये कोरियन ब्रांड है उनका है, आई होप कि ये वर्क करेगा। मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊँगी कि ये कैसा है, लेकिन सुना है कि जो चावल का मास्क होता है, राइस मास्क जो होते हैं, वो बहुत उसके बेनिफिट्स हैं, एंड आई होप कि इसके वाकई बेनिफिट्स हों। मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर आपको इसका भी रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसा है और कैसा वर्क करता है। खैर, ये जो हमें मिला है, ये मिला है हमें 137 रुपीज़ में, आई थिंक इट्स रीजनेबल, और ये डिलीवरी चार्जेस के साथ मिला है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब मास्क खरीदते हैं तो वो हमें 200 से 250 या 300 में मिलते हैं, 250-300 में आराम से मिलते हैं, एंड 137 रुपीज़ में मिला है। और अगर ये वर्क करता है तो आई एम श्योर कि मैं दोबारा से इसको ख़रीदना चाहूँगी। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो ये है, और ये भी मैंने बायोएक्वा की ही प्रोडक्ट है जो मैंने मंगाई है। इसको भी मैंने ओपन नहीं किया था, रैपर ओपन किया था, लेकिन वैसे इसको मैंने ओपन नहीं किया था। कैसे खुलेगा? सो वैसे मैंने ओपन नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रही थी कि आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी और अपना रिएक्शन जो है वो अच्छे से जो है वो शो कर पाऊंगी, बस इसीलिए। ओके, ये भी बायोएक्वा की एक्सफ्लोरेटिंग फेस जेल है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से दिखती है, और बायोएक्वा का ऊपर ये स्टिकर भी लगा हुआ है जिससे ये साबित होता है कि ये ओरिजिनल है। जी, तो इसको ओपन करेंगे।
कुछ इस तरह ओपन करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं ऐसे ओपन होता है। और ये इसमें जार है, ये जार है, इसमें ये डिब्बी है, ये आप देख सकते हैं। और ये भी राइस एक्सफोलिएटिंग जेल है और ये कुछ इस तरह से दिखता है, ये ऊपर से भी पैक्ड है। ओके, खैर ये मेरा जो है इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये मैंने जो मंगवाई है जैसी मैंने देखी थी वैसी ही आई है, एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद इट कि मुझे जो चीज़ मैंने मंगाई है वही मुझे मिली है। और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, उन्होंने बबल रैप में इसको पैक करके हमें भेजा है ताकि इसमें कुछ डैमेज नहीं हो, कोई मसला नहीं हो, एंड आई थिंक इट्स गुड। और ये मुझे पड़ी है 338 में विद डिलीवरी चार्जेस, ये मास्क है मुझे 338 में पड़ा है विद डिलीवरी चार्जेस। ओके, तो नेक्स्ट जो है ये भी एक फेस मास्क है, बबल अमीनो एसिड फेस मास्क है इमेजेस का, इमेजेस हाइड्रेटिंग स्किन ये ब्रांड है। और इनका ये फेस मास्क है बबल्स अमीनो एसिड, ये इन्होंने बताया है कि इस तरह से निकलेगा, इसको फेस पे लगाएंगे तो उसके बाद इस सारे पे बबल्स बन जाएंगे। अब मैं इसको यूज़ करके आपको बताऊंगी कि ये ऐसे ही वर्क करता है और ये कैसा वर्क करता है, अच्छा करता है या नहीं करता है। बट जो मैंने चीज़ मंगाई थी ये वो ही निकली है, एंड इट इज़ इन रुपीज़ 289 में मुझे मिला है विद डिलीवरी चार्जेस। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो हम देखते हैं कि क्या है। ये बलून्स हैं जो कि हमने रवि फातिमा की बर्थडे के लिए मंगाए हैं, क्योंकि हमने उसकी बर्थडे का थीम रखा है ब्लैक एंड गोल्ड, तो उस हिसाब से ये मैंने बलून्स कुछ एक्स्ट्रा मंगाए हैं, क्योंकि जो मैंने थीम सेट मंगाया है उसमें इतने ज़्यादा बलून्स नहीं थे तो मुझे अलग से बलून्स की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने ये अलग से मंगवाए हैं। एंड इट्स गुड, जितने मैंने मंगाए हैं उतने ही निकले हैं और अच्छे हैं, बाकी तो जब फुलाऊंगी तो पता चलेगा कितने डैमेज निकलते हैं, बट ओवरऑल लुक वाइज अभी तक अच्छा है सब। तो मुझे 324 में मिले हैं 100 बलून्स हैं ये। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है मेरे पास ये लाइट मैंने मंगाई है अपने रूम के लिए, जी ये स्टार्स की लाइट है और बैटरी ऑपरेटेड है, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। जी ये स्टार्स बने हुए हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें सेल डल जाएंगे तो ये ऑन कर सकते हैं हम, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं अपने रूम के लिए मैंने मंगाई है, ऐसे मुझे इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ के लिए चाहिए होता है कोई ऐसा कॉर्नर कि जहाँ पर मैं आराम से पिक्चर्स उतरवा सकूँ, और वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा DIY करके और थोड़ा सा सेटिंग करके लाइट्स को भी उसी में यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैंने मंगाया है ताकि मैं एक ऐसा कॉर्नर जो है वो क्रिएट कर, एक ऐसा कॉर्नर जो है वो रेडी कर सकूँ कि वो मेरे काम आ जाए। जी तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है और ये है, ये जो है ये मैंने कुकिंग किचन की आप मेरी वीडियो देखते रहते हैं उसमें रखने के लिए मैंने ये मंगाया था कि जो चम्मच है जिसे हम खाना बनाते हैं उसको साइड पर रखना पड़ता है या प्लेट में रखना पड़ता है, तो ये दराज में सेल से मैंने ये मंगवाया, बट मुझे ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगा, बिकॉज मुझे ये था कि ये हार्ड वाला होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा, बट इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी, आई रियली डोंट लाइक दिस। और ये मुझे पड़ा है विद डिलीवरी 268 रुपीज में, टू मच एक्सपेंसिव, इतना महंगा ये नहीं मिलता, अगर मैं अपनी लोकल मार्केट से लेती तो वो इतने का नहीं मिलता। ओके जी, तो मेरा दराज हॉल यहीं तक था, बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनका रिव्यू मैं आपको यूज़ करके फिर ही दे सकती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे, उनको यूज़ करने के लिए मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन मुझे चाहिए, उसके बाद मैं आपको इनका प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगी। आई होप आपको मेरा ये दराज हॉल जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।